नमस्कार दोस्तों, कुंडलनी जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी प्रार्थना के बारे में जिससे कि आपकी बात परमात्मा तक आसानी से पहुंच सकती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि योगम क्षेमम वहमयम। भगवान भी योग के बिना इंसान का भरण पोषण नहीं कर पाते, इसलिए हर इंसान का योग होना बहुत जरूरी है। योग एक शक्तिशाली तकनीक है। योग के द्वारा सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, जैसे वायु प्रदूषण, पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, प्राकृतिक आपदाओं प्रलय को रोका जा सकता है, बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। पूरी दिल्ली भारत विश्व की जनता को कम से कम एक महीने आजमाकर देखना चाहिए कि योग एक बहुत चमत्कारी खोज है। इंसान के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। जब वो सकारात्मक ऊर्जा वातावरण में फैलती है तो समस्याओं का समाधान होने लगता है, शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। प्राचीन काल से ही योग भारतीय संस्कृति है। गुरुकुलों में साधु संत एवं महात्मा योग सिखाया करते थे। गुलामी के समय में योग की संस्कृति लुप्त हो गई थी। 1970 से श्री माताजी निर्मला देवी जी की कृपा से योग शुरू हुआ। आज लगभग 150 देशों में योग सिखाया जा रहा है। योग के द्वारा करोड़ों लोग अपने जीवन में लाभ पा रहे हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। किसानों को खेती में फसलों में भी पूरा फायदा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं योग करने का आसान तरीका। नंबर एक, अपने हृदय पर सीधा हाथ रखकर प्रार्थना करें। श्री माता जी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मन ही मन 12 बार दोहराएं और अपनी सांसों पर ध्यान रखें और सांस लें और सांस छोड़ें। लगभग 3 मिनट तक करें। नंबर दो, अब सीधा हाथ अपने माथे पर रखें और 3 बार प्रार्थना करें कि मैं सबको क्षमा करता हूँ और खुद को भी क्षमा करता हूँ। 2 मिनट करें और ध्यान सांसों पर बनाए रखें। नंबर 3, अब सीधा हाथ अपने तालु भाग पर रखें। जो बच्चे के जन्म के समय नरम खाल होती है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। श्री माता जी, कृपया करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। मन ही मन 2 मिनट करें। नंबर 4, अब दोनों हाथ सामने रखकर बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। थोड़ी देर शांति से बैठे रहें। अपने अंदर शांति और आनंद महसूस करेंगे। आपका योग घटित हो रहा है। योग को घटित होने दीजिए। जय श्री माता जी। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।